पता नहीं दोस्तों ये फ्लिपकार्ट वाला वाले चाहते क्या है। आई मीन मेरा एक ट्रिमर था जो मैंने 18 अक्टूबर 2018 को ऑर्डर किया था, और मेरे पास ये ट्रिमर 24 अक्टूबर को पहुंचा था। तो इसकी वारंटी 2 साल की थी, नोवा का ट्रिमर था। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, एक पिक्चर आ रही होगी, और अगर आपको आवाज़ में कुछ नॉइज आ रहा हो या फिर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही तो माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी रूम पे हूँ तो शायद इसका सामना करना पड़ सकता है। तो आज ये इंसिडेंट हुआ कि मैंने उसको रिप्लेस के लिए 13 तारीख को मैंने कॉल किया था। इसके लिए पहले ही मैंने कॉल किया था फ्लिपकार्ट को कि मेरा 8 या 9 तारीख को मेरा ट्रिमर है नोवा का, और इसकी सर्विस सेंटर कहीं भी नहीं है इंडिया में, तो मुझे ट्रिमर में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे सर्विस सेंटर के नंबर्स बताए, उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं सर्विस सेंटर इंडिया में है। तो मैंने उनके दिए गए नंबरों पर मैंने कॉल किया, तो कॉल करने के बाद मुझे रिप्लाई यही मिला कि सो नंबर उपलब्ध नहीं है। और मैंने गूगल के थ्रू एक और नंबर भी चेक किया तो दोनों में यही है। फिर मैंने इसके रिगार्डिंग कॉल किया तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये आश्वासन मिला कि आपको कॉल किया जाएगा और आपका ये सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो क्या हुआ कि 12 तारीख को तक मेरे को टाइम दिए गए थे कि 12 अक्टूबर तक 2020 तक आपको कॉल किया जाएगा और आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो हुआ यूँ कि उसमें तक कोई कॉल नहीं आया। फिर मैंने 13 तारीख को मैंने कॉल किया, 14 अक्टूबर को मैंने कॉल किया कि यार मेरे पास अभी तो कोई कॉल नहीं आए। तो उन्होंने फिर से मेरा कंप्लेन राइज किया और 16 तारीख को, जी हाँ, रिफंड की बात कही कि आपका जो ट्रिमर है 699 का, उसके कहीं सर्विस सेंटर नहीं होने के कारण इस ट्रिमर को का आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी रिफंड मिलेगी। जी हाँ, आपको पूरा रिफंड पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने, मैंने कहा देखो मैं अभी जहाँ मैंने उसको डिलीवर कराया था, जहाँ मैंने उसको मंगवाया था, फिलहाल वो प्लेस अलग है और मैं लोकेशन चेंज कर मूव कर चुका हूँ। तो उन्होंने भी ये भी कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी रिगार्डिंग मेरे पास 15 तारीख को मॉर्निंग में कॉल आया था, तो मैंने बात करी उनसे, उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर भी लिया, मेरा सब कुछ फिक्स किया। और बात जो थी कि 16 तारीख को वो कुरियर वाले मेरे पास आएंगे और मेरे लोकेशन से मेरा जो प्रोडक्ट है ट्रिमर है नोवा का वो लेकर जाएंगे। और 16 तारीख को सडनली मौसम ख़राब हुआ और कुरियर वाले का जो टाइमिंग था 9 बजे रात तक, तो उन्होंने मुझे 7 बजे करीब कॉल किया कि सर मैं आपके लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर पे हूँ और भीग चुका हूँ। तो मैंने कहा भाई भीगने की बात नहीं है, आप जाओ कल आ जाना, पर क्योंकि बारिश में भीगना ठीक नहीं है कि वैसे भी कोरोना वोरोना का मौसम चल रहा है। आज उन्होंने फिर, आज जो कि 17 तारीख है, आज मेरा पैसा रिफंड होने की बात थी, तो आज मैंने उसको फ्लिपकार्ट ने मुझे कॉल किया कि आपका रिप्लेस रिफंड था। तो मैं गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि देखो मेरे पास सिर्फ ट्रिमर है और उसका डाटा केबल है बकायदा और कुछ भी नहीं है। तो फिर आज आए वो, उन्होंने मेरा ट्रिमर लिया, चेक किया, फिजिकल लेकर डैमेज सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, मतलब आई मीन अब उस एट अ टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया, पिकअप कुछ नहीं किया। उन्होंने एक छोटी सी पॉलीथीन में प्लास्टिक में उसको पैक करा और उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर दे दो, मैं कॉल कर लूँगा आपको वहाँ पहुँच के कि आपका ये रिप्लेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सडनली उन्होंने बताया था कि 5 बजे तक आपको कॉल आएगा, और 5 बजे अभी जो कॉल आया है, पहले तो कॉल की रिकॉर्डिंग सुन लो, ये फ्लिपकार्ट जो कि है जगदलपुर में ई कार्ट वाले हैं, वो इनकी रिकॉर्डिंग है, और इनकी रिकॉर्डिंग में जो हमारी बात हुई आप सुन के ये हो जाओ कि पता नहीं क्या है। चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, मैंने आपका परिचय देना भूल गया, और फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद आते हैं, देखते हैं मैं फिर बताऊं कि उसका सॉल्यूशन क्या था। चलिए फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो, हाँ सर, वो मैंने ट्रिमर वापस किया था जी, फ्लिपकार्ट से हमारी बात हुई, फ्लिपकार्ट ने कहा है, मैंने उसमें सीधी बात की कि कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई फिजिकल चीज नहीं होना चाहिए। 2 साल पुराना है तो वो ओल्ड तो होगा ही, पर उतना भी ओल्ड नहीं जो आप रिजेक्ट करके दे रहे हो। और दूसरी बात, नहीं, मैं बता दूं, पैसे तो आपको नहीं, पैसे तो आपको रिफंड नहीं करने जो आपको दर्द हो रहा, पैसे रिफंड कंपनी करेगी ना सर। देखिए एक्चुअली हमारा जो प्रोसीजर रहता है ना सर, उस हिसाब से चलना पड़ता है ना। देखो एक्चुअली पैसे तो कंपनी देगी, ठीक है, लेकिन बंदा ला रहा है तो बंदे के नाम से चढ़ जाएगा अगर उनको कुछ इशू रहता है तो। इसमें इशू क्या, आप ये बताओ कि पुराना है, यही ना इशू? हाँ यही, क्योंकि इमेज दिखा रहा है सर, उनका इमेज भी श्योर दिखा रहा है एकदम।
तो एक्चुअली ये आप फ्लिपकार्ट में जैसे आप फ्लिपकार्ट कस्टमर के कॉल करोगे तो देन उनको बोल दीजिएगा कि आप एक जगदलपुर अपने एक मेल कर दीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग सीधा भेज देता हूँ, इसलिए कि आपने जो मुझे रिप्लाई किया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं तो केस करूंगा भाई, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने मेरे को बोला कि आप वापस नहीं नहीं आप जैसा भी है कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसा हम लोग का भी क्या है सर, लेने और देने का काम हम लोग का कुछ नहीं, तो फिर फिर आप आगे फॉरवर्ड तो करो सर। एक्चुअली होता क्या है, आगे फॉरवर्ड कर दूंगा वापस नहीं आएगा, वो बंदे के नाम से इशू होके आएगा कि बंदा ऐसा प्रोडक्ट लाया करके। अच्छा, ये नहीं तो हम लोग को भी क्या है सर, हम लोग भी आपसे लेना देना है, आपको पार्सल लेना है हमसे, तो सर्विस सेंटर यही ठीक है, फ्लिपकार्ट कॉल अभी आ रहा, तो मैं भी आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। नहीं एक्चुअली उनको बोल दीजिएगा, फ्लिपकार्ट वाले का सब जगह यही हाल है भाई। इस कॉल के बाद जी हाँ, इस रिकॉर्डिंग के विद इन 2 मिनट के अंदर मुझे इसी नंबर से फिर से कॉल आया कि कृष्णा जी आई एम सॉरी कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, कि आपने मेंशन कराया था कि आपके पास चार्जर सॉरी ट्रिमर के का बॉक्स नहीं है, सिर्फ ट्रिमर और डाटा केबल है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं यही तो आपसे कह रहा था कि भाई मेरे पास इसका सिर्फ डाटा केबल और ट्रिमर है, और फ्लिपकार्ट के तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया है कि आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें, तो ही आपका ये रिसीव किया जा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है यहाँ बैठी कि आप सिस्टम पे बैठे हैं और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप एक कस्टमर होने के नाते देख रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हैं और उसको रिप्लेस कराते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान दें कि आपने क्या उनको बताया है और बंदे ने क्या समझा, क्योंकि जो बंदा यहाँ रिसीव करने आया था मैंने उसको यहाँ पर कन्फर्म कराया, उसको ये नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियरिटी लिख रहा था कि कोई एनी स्क्रैचेस या फिर डैमेज तो नहीं है। वो बंदा मुझसे पढ़वा रहा था कि सर बताओ क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ कि अनपढ़ लोग भरे, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने उनको ये भी कहा कि आप लेकर जाइए और वहाँ पे आप चेक कर लेना, उसके बाद करना, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो, जब आप रिप्लेस करते हो, तो आपके सिस्टम में सारे कुछ फिट रहते हैं कि आपको क्या रिप्लेस करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि उन्होंने रिसेंटली कॉल किया और मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं ऑन कर पाया, तो आप कहो कि ये बात झूठ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर स्क्रीन शॉट फ्लिपकार्ट के ऐप का कि उन्होंने पहले जो बात कही, तो प्रूफ है कि आपने जो बात सुना वो तो प्रूफ हो गया ना कि हाँ वो पहले लेना नहीं चाह रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शॉट इसका प्रूफ का कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरे पास एक SMS भी आया है सकते हो कि संतू कुमार के नाम के बंदे ने मेरा वो पिकअप अभी एक्सेप्ट किया। तो यार थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पहले ठीक थी, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब थी, मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, इनफैक्ट फ़ोन, ईयरफोन, मेमोरी कार्ड और इनफैक्ट एक कैमरा भी मंगाया था, बट कैमरा भी प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने बताया कि 2 साल की वारंटी के साथ था। अगर आपने कैमरे वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो सेक्शन में पड़ा है। अगर आप GoPro खरीदते हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेने, देखो यार 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है पर आपके काम की है, आपके ये चीज़ की है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के साइट पर लिखा है 33 फीट और 10 मीटर की लेंथ, पर वो 1 मीटर में, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा होगा कि कितनी गहराई में पानी में वो कैमरा गया था, वो कैमरा काम नहीं कर रहा, बिकॉज 19 से 20 हज़ार का कैमरा है। और फ्लिप और सबसे बड़ी बात ये सर्विस सेंटर इंडिया में कहीं नहीं है, सेम थिंग नोवा है का ट्रिमर की जैसा है। तो यार देखो उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है, मैंने उस पर भी ट्राई मार रखा है। तो फिलहाल इसका तो हो गया, आपने देखा अभी आपके डिस्प्ले पे पॉपअप आ रहा होगा कि उसने एक्सेप्ट किया, और हो सकता है ब्लॉग 1-2 दिन लेट जाए, क्योंकि देखिए आज 17 तारीख है, सॉरी 16 तारीख है, तो क्या है कि एडिटिंग करने में थोड़ा वक्त चाहिए और सबसे बात कि इंटरनेट होना चाहिए भाई, तो 1-2 दिन आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बता दूं कि मेरा ट्रिमर की जो वैलिडिटी थी ना वो 24 अक्टूबर 2020 तक की थी, यानी कि 7 दिन के बाद वो ट्रिमर खिलौना हो जाता, पर अभी मेरे को पूरे के पूरे 699 रुपये रिफंड होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि रिफंड होने के बाद ही ये वीडियो आप लोग को दिखाऊँ प्रूफ के साथ कि हाँ मेरा ट्रिमर जो है रिफंड हो गया। तो यार थोड़ा वेट कर लेना और देखना कि रिफंड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अधूरी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। चलिए फिर, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल वाले पे कर लेना, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आप वेट करते हैं कि रिफंड कब तक होता है, क्योंकि समथिंग आज सैटरडे है तो संडे को तो बैंक्स बंद होते हैं, मे बी आज रात को 2 या 3% चांस है कि रिफंड हो जाए, पैसे अकाउंट में आ जाए, बट मंडे या ट्यूसडे को कंफर्म होगा। तो फिर वेट कर लेते हैं और देखते हैं कब तक पैसा आ जाता है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे जो मैंने बताया था कि मैंने जो ट्रिमर एक्सचेंज किया था,
तो वो रिफंड उसी दिन हुआ था 17 तारीख को नाइट में ही। अब आप कहोगे कि ये वीडियो एक हफ्ते बाद ही क्यों डाल रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि मेरे रूम के जस्ट बगल में दुर्गा पूजा हो रहा है, मतलब मूर्ति बैठी है, तो वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा कीर्तन भजन होता था, तो साउंड नॉइज का प्रॉब्लम शायद अभी भी आपको हल्की सी साउंड आ रही होगी। और आप कहोगे अपने मैंने अपना लुक क्यों चेंज किया है, तो ड्यू टू सो कहा जाए तो बस कुछ चेंजिंग था, मतलब कि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि अब जो दाढ़ी रखूँगा थोड़ा अच्छा रहेगा। और यार तो अभी आपके पास देखा होगा, आपके डिस्प्ले में आ रहा होगा कि मैंने जो रिफंड कराया था पूरे 699 रिफंड आए हैं, वो फ्लिपकार्ट के ऐप का है, और मेरे अकाउंट में जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया था विद इन 2 से 10 सेकंड के भीतर ही SMS आ गया कि आपका पैसा रिफंड हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बिवेयर रहें किसी भी चीज़ को शॉपिंग करने से पहले, जांच लें कि उसकी सर्विस सेंटर है कि नहीं, और नहीं है तो फिर वो सर्विस कैसे दे रही है। जैसे कि मेरा ट्रिमर था, मैंने ट्रिमर को वापस कराया, रिप्लेसमेंट कराया, और उसके बाद मैं उस रिप्लेसमेंट का मैंने क्या किया उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, उस रिप्लेसमेंट से मैंने क्या लिया था। और चलिए फिर आपने देख लिया कैसे रिप्लेसमेंट हुआ है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आएं। बहुत सारे लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, भाई नंबर बहुत कम ही लोग दे पाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। आप अगर यूट्यूब फैमिली से भी है, एज अ क्रिएटर भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। अगर आप ऐसे लगेंगे कि नहीं आपको नंबर देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको नंबर प्रोवाइड कराऊं। चलिए फिर ब्लॉग को समाप्त करते हैं, ऐसा करता हूँ चैनल वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।